Hello everyone, welcome to Abhimanyu IS. IS officer is the most prestigious job in India and is the dream of millions of aspirants to join as IS officer. And for this, they appear in UPSC Civil Services Examination. Yes, UPSC Civil Services Examination. अगर आपका भी ड्रीम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करने का एंड यू अपीयर दिस ईयर फॉर दिस एग्जाम इन दैट केस यू शुड नो अबाउट द पैटर्न कि क्या एग्जाम पैटर्न है किन किन स्टेजेस को आपने क्रॉस करना है ओके okay? किन किन पड़ाव को पार करके आपने अपनी सक्सेस तक पहुंचना है और क्या आपकी स्ट्रेटर्जी एग्जाम की है कहाँ पे कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आज मैं यही आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ सबसे पहले देखते हैं हम सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न अगर हम बात करते हैं पैटर्न की इन दैट केस यस द फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स सबसे पहले आपने प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करने एंड व्हेन यू क्लियर दिस स्टेप देन यू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट इज मींस ओके मेंस मेंस के बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद योर फाइनल सेलेक्शन ओके तो अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम की इन दैट केस इन प्रीलिम्स यू हैव टू पेपर्स फर्स्ट इज जनरल स्टडीज ओके जीएस पेपर वन जिसको हम कह रहे हैं एंड द सेकेंड इज सी सेट एंड बोथ द पेपर आर ऑफ एमसीक्यू नेचर एमसीक्यू टाइप के पेपर होंगे ओके नाउ द सेकेंड इज मेन्स मेंस के अंदर आपके नाइन पेपर्स है टू आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओके जो आपके लैंग्वेज पेपर होंगे देन एस राइटिंग फोर जीएस पेपर एंड टू ऑप्शनल पेपर ऑफ द सेम सब्जेक्ट जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके आपके दो पेपर हैं देन यू गो फॉर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टाइप दैट इज टू सेवेंटी फाइव मार्क्स ओके यस देन योर फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैरिट डिसाइडेड इन द पेपर्स मेन्स एंड इंटरव्यू मेन और इंटरव्यू के अंदर आपके जो मार्क्स हैं उसके बेस पर आपकी मेरिट बनती है एंड देन गो फॉर द फर्स्ट स्टेज क्योंकि जब हमने फाइनल स्टेज तक पहुँचना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को क्लियर करना होगा जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की दैट इज योर प्रिलिम्स अब जब प्रिलिम्प के एग्जाम के अंदर अपने दो पेपर हैं दैट इज जी एस पेपर वन एंड द सेकेंड इज जी एस पेपर टू दैट इज सी सेट सभी की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटर्जी है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई कितना टाइम डिवोट कर रहा है तो एक पर्सन आई से कि uh, एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैं टेन टू ट्वेल्व आवर्स अपनी स्टडी पे डिवोट कर रहा हूँ एक कह रहा है कि मैं सोलह घंटे पढ़ रहा हूँ ओके एंड वन इज सेंग आई एम डिवोटिंग ओनली एट आवर्स बट सभी का अपना अपना मेथड है करने का सभी को अपनी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है ओके okay? सो so, एक बार सभी ने सेल्फ एनालिसिस जरूर करना है अब सभी ने देखना है कि आप कितना कितना टाइम डिवोट कर रहे हो इन दोनों पेपर्स के लिए तो अगर हम देखें सबसे पहले पेपर वन जीएस सिलेबस जो है उसको कवर करने के लिए जीएस के सब्जेक्ट्स पे आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो ओके okay? तो अगर हम ऑप्टिमम टाइम की बात करें तो इफ यू आर डिवोटिंग टेन टू ट्वेल्व आवर्स इन दिस सब्जेक्ट प्रिपरेशन दिस इज गुड ओके एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग जस्ट हम हमने देखना है टॉपिक्स uh, कौन से इंपॉर्टेंट है कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितना कितना टाइम डिवोट करना है ओके okay? उसके बाद आपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है ओके बट देर विल बी एटी परसेंट आई विल से 80 परसेंट कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये कह रहे हैं कि वी आर डिवोटिंग फुल टाइम ऑन सब्जेक्ट्स बट वी आर नॉट डिवोटिंग इवन हाफ ऑन प्रिपरेशन इफ यू आर इन दिस कैटेगरी कि आप सी सेट के पेपर के लिए टाइम डिवोट नहीं कर रहे एंड यू आर थिंकिंग सम पॉइंट्स बट दैट सी सेट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड आई विल प्रिपेयर एट लास्ट ओके और दूसरा पॉइंट आपके माइंड में क्या आ रहा है कि वी नीड ओनली थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स टू क्वालिफाइज सी सेट एंड इतना तो मैं कर लूंगा मैं डेली न्यूज पेपर रीड कर रहा हूँ डेली मैं न्यूज़ पेपर रीड कर रही हूँ ओके इंग्लिश मेरी अच्छी है इतना तो मैं कर लूंगी द सेकेंड पॉइंट कि हाँ टेंथ क्लास तक तो मैंने मैथ्स पढ़ा है तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है मैथ्स वाले सेक्शन के अंदर से थर्टी पासिंग मार्क्स तो हम ले, ले लेंगे थर्टी थ्री परसेंट ओके एंड सेम लॉजिकल रीजनिंग तो मेरा स्ट्रोंग है ये पॉइंट भी माइंड uh, में आता है कि हाँ लॉजिकली तो मैं बहुत स्ट्रांग हूं बिकॉज वी आर ओवर कॉन्फिडेंट ओके अब अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हैं अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में कहीं पे इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं इन दैट केस यू शुड गो फॉर द एनालिसिस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एंड 2020 2020 का अगर मैं एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर सम मार्कशीट फॉर सम स्टूडेंट्स यस दे आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट है इसका पेपर वन के अंदर कितने मार्क्स आए हैं जी हेयर यू कैन सी वन ट्वेंटी नाइन मार्क्स इफ यू गेट वन ट्वेंटी नाइन मार्क्स इन जी एस पेपर वन दैट मीन्स ए ब्रिलियंट स्टूडेंट ओके बट यहाँ पे इग्नोरेंस पे आ रही है सी सेट पेपर टू के अंदर उसके मार्क्स कितने आए हैं दैट इज मार्क्स और यहाँ पे क्या है नॉट क्वालिफाइड फॉर सी एस मेन्स एग्जामिनेशन जी मेन्स के लिए आप क्वालिफाई नहीं हो जब हमारा इतना अच्छा स्कोर है हमें पता है जो कट ऑफ है कट ऑफ नियर बाई हंड्रेड जाती है ओके यहाँ पे 90 की कट ऑफ थी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कट ऑफ से कितने ज्यादा नंबर आए हुए हैं जीएस पेपर वन के अंदर बट सेकंड पेपर की वजह से एक साल खराब हो गया पूरा ओके okay? सेकंड और कुछ देखते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट के 92.5 मार्क्स जीएस में भी एसपीएम, पी हाँ जी पर बॉर्डर पे नहीं रहना है हमने दोनों पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है यहाँ पे भी बॉर्डर पे ही है बट यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है 65.83 दोनों के अंदर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास तो यहाँ पे अगेन नॉट क्वालिफाइड फॉर सी एस नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पेपर कितना अच्छे प्रिपरेशन है स्टूडेंट की कि यहाँ पे जीएस के अंदर वन थर्टी फाइव मार्क्स आए हुए वन थर्टी फाइव मार्क्स दैट मीन्स वेरी गुड स्कोर इन जी पेपर वन ओके बट इन सी सेट सिक्सटी टू पॉइंट दैट मीन्स यहाँ पे अगेन सिर्फ सी सेट की वजह से पेपर रह गया बिकॉज जो सी सेट का पेपर है अभी आप देख रहे हो कि थ्री ईयर से बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है जो पेपर का लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है और आप यहाँ पे देखो कि जो पैटर्न है पैटर्न तो बिल्कुल चेंज हो गया है जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे एग्जाम के अंदर और अगर हम सिर्फ इसी उसमें रहते कि हाँ जी इतना तो हम कर लेंगे एग्जाम के अंदर तो फिर ये देखिए नेक्स्ट देखो हाँ जी 115 मार्क्स इन जीएस पेपर वन बट हेयर दिस इज 65.83 अगर एक क्वेश्चन भी ठीक हो जाता तो यहाँ पे हम यस yes, मेंस के लिए अपीयर हो पाते नेक्स्ट देखिए यही सोचा होगा उसने कि हाँ जी मेरा एक पेपर एक क्वेश्चन सी सेट का ठीक हो जाता तो यहाँ पे मैं अपीयर हो पाता या मेरा एक क्वेश्चन रोंग ना होता तो भी मेरा मेन्स के लिए मैं चला जाता है ना अब यहाँ पे देखो वन हंड्रेड एंड फोर मार्क्स इन जीएस पेपर वन एंड इन जीएस पेपर टू दिस इज फोर्टी एट मार्क्स यहाँ जी बिल्कुल इग्नोर कर दिया यहां पे सी सेट के पेपर को ओके okay? तो अगर आप इस तरह की सोच रख रहे हो तो एक बार दोबारा से आपको सोचना है कि वाई प्रिपेयर फॉर सी सेट सी सेट के लिए मुझे क्यों प्रिपेयर करना है एंड नाउ थिंक इन ए डिफरेंट वे यस वन इज ईयर वन ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी यस yes, इसी साल मैंने अपना पेपर क्लियर करना है इस साल ही मुझे अपना पेपर क्लियर करना है एक साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल मैंने पूरा अपनी स्टडी पे डिवोट करनी है किसी भी तरह से करके मुझे इस साल को अपना ड्रीम पूरा करना है ओके सेकंड थिंग सी सेट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू जीएस अगर मुझे मेंस में जाना है तो मुझे सी सेट को भी इक्वली इंपोर्टेंस देनी पड़ेगी अपियर so हो पाऊके थर्ड थिंग एग्जाम पैटर्न चेंजिंग एवरी ईयर अब जो एग्जाम का पैटर्न है वो हर बार चेंज हो रहा है हर बार थोड़ा कुछ चेंज होकर आता है कई बार किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है तो नेक्स्ट ईयर उस टॉपिक में से काफी कम क्वेश्चन मिल रहे हैं एंड द क्वेश्चन टाइप इज ऑल्सो चेंजिंग किसी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते थे आजकल मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट ऑप्शंस कम मिल रही है ऑप्शंस में भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू इस तरह से ओके okay? तो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है हार्ड पेपर आ रहा है और लॉजिकल पेपर आ रहा है ओके एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड एग्जाम ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक्स को करने से ही बात बन जाएगी आपको प्रिपेयर रहना है अपने आप में कि कैसा भी अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाए वहाँ पे एग्जाम के अंदर तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ ओके okay? अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सभी के लिए डिफिकल्ट है सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है तो प्रिपेयर एट योर एंड सफिशेंटली ओके द नेक्स्ट थिंग इज कि कॉन्फिडेंट रहना है शुड बी कॉन्फिडेंस क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस अगर ही नहीं है तो आप किसी भी तरह से पेपर को नहीं क्लियर कर सकते हो कॉन्फिडेंस इज मस्ट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो खराब करता है इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कॉन्फिडेंस रखना है कि वाई टू प्रिपेयर फॉर सी सेट सी सेट के लिए मुझे क्यों तैयारी करनी है ना द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे सी सेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ओके okay? तो उसके लिए हाँ जी सबसे पहले करना क्या है अगेन सेल्फ एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस मीन्स वाट कि आपने प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठाना है यस ट्वेंटी टू का आप पेपर ले लीजिए ट्वेंटी वन का प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए एंड इन द गिवन टाइम फ्रेम जैसे कि हमें पता है कि टू आवर्स का पेपर है तो उसी के अंदर आपने उसको सोल्व करना है एंड देन चेक कि हाँ आपका कितना स्कोर बन रहा है स्कोर को चेक करें अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है इन दैट केस हमने ये देखना है कि मैं डेली वन आवर तो तब भी आपने डिवोट करना है बिकॉज जैसे हम अपने माइंड को जिस डायरेक्शन में लगाते हैं वो उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं ठीक है तो अगर आप डेली एक घंटा लगा रहे हो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अगर आप डेली कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बुक से देन इट इज एनफ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है क्लियर अगर आपको लगता है कि नहीं आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा इन दैट केस आपने चेक करना है कि क्या क्या मेरे वीक एरियाज हैं और क्या क्या मेरे स्ट्रांग एरियाज हैं आई मीन टू से कि यहाँ से आपने देखना है कि आ, मैं देखो जो लॉजिकल रीजनिंग है लॉजिकल रीजनिंग के 15 टू 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बाकी हाफ हाफ हाँ, आप ये कंसिडर करके चलो कि हाँ जी मैथ्स आएगा और इंग्लिश आएगी तो आप मैथ्स और इंग्लिश को साथ में आपने लेके चलना है कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ में मैथ वाले सेक्शन पे मैंने ज़्यादा फोकस करना है या फिर इंग्लिश वाले पे ओके क्योंकि अगर इनमें से दो को भी आप अच्छे से कर लेते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे अब यहाँ पे देखो कि अगर आपका मैथ्स वाला सेक्शन अच्छा है अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मैं अच्छे से कर सकता हूँ वैस मेन थिंग इज़ कि जब हम मैथ्स वाला सेक्शन लेके चलते हैं साथ में तो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी अपनी बन जाती है कि जब क्वेश्चन का आंसर आ रहा है देन हमारे माइंड में कि हाँ आंसर आ गया अब ये मेरा सही है ओके बट इंग्लिश में कन्फ्यूज़न रहती है कि हाँ जो मैं मार्क करके आई हूँ वो रोंग है या करेक्ट है कहीं ना कहीं यू की तरफ से वो आंसर रोंग भी हो जाता है कई बार है ना तो इस तरह से आपने देखना कि मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रोंग है जो जो आपके वीक एरियाज हैं और स्ट्रोंग एरियाज हैं उनको फाइंड आउट करना और उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है कि मैंने कैसे Uh, अपना 50 परसेंट अगर तो 33 परसेंट मार्क्स लेने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 33 के लिए प्रिपेयर करना है यू विल एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर 50 परसेंट कि हाँ मेरा 50 परसेंट तो कम से कम आ जाए ठीक है ना तभी आपका 33 परसेंट की जितनी तैयारी हो पाएगी और अगर आपको ज़्यादा सेफ जोन में रहना है इन दैट केस आप थोड़ा कंप्लीट सिलेबस को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो ओके अब मेन यही है कि हाँ जी कैसे प्रिपेयर करना है आपने तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे और सी सेट के लिए प्रिपेयर करोगे बट द मेन थिंग इज कि सी सेट की प्रिपरेशन मस्ट है आपको प्रिपेयर तो करना ही करना है यू हैव सिक्स मंथ्स और इन सिक्स मंथ्स के अंदर आपने कैसे डिवोट करना है क्या अब आप, आपने खुद से सोचना है कि क्या मुझे कंप्लीट कोर्स की जरूरत है या फिर मुझे या फिर मुझे जस्ट इसी बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत है या मुझे कुछ क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने चाहिए इतना मेरे लिए सफिशिएंट है या मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है मुझे तो अभी पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है ओके इट डिपेंड्स कि अगर आप इस पार्ट के अंदर वीक है इन दैट केस आपको मिनिमम टू आवर्स डेली डिवोट करने हैं ओके एंड इफ योर स्कोर इज गुड इन दैट केस ऑल्सो यू विल डिवोट वन आवर डेली ऑन योर सी प्रिपरेशन ओके वी कैन ओनली गाइड यू एंड द हार्ड वर्क इज योर्स आपने मेहनत करनी है हर स्टेप के लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं अगर आपकी कहीं पे भी कोई भी क्यूरी आती है यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड इन दैट केस नीचे कमेंट सेक्शन में सभी कमेंट करेंगे कोई भी क्यूरी है आपकी चाहे आपके जी पेपर के लिए है चाहे आपके सी सेट के पेपर के लिए है कहीं पर कोई भी आपके क्यूरी है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके एंड द सेकेंड थिंग कि अगर आपको जो स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है इन दैट केस यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट दैट इज अभिपीडिया डॉट डॉट एंड फॉर द सी सेट द लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन डॉट अभिमन्यू डॉट कॉम एंड दिस इज सी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नेक्स्ट पॉइंट के साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हाँ जी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बिकॉज जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन बेल पे भी सभी ने क्लिक करना कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। जाए सो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक